जरूर देखना, अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है वीवो के FRP के ऊपर। आज मेरे पास आया हुआ है वीवो का Y20। आप जैसे कि देख सकते हो उसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो FRP लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे गूगल अकाउंट मांग रहा है। ये चीज़ मेरे पास आए Y20 आया, लेकिन आप ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप हर फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। वीवो के सब फ़ोन के अंदर ये ट्रिक्स यूज़ होगी। सबसे पहले तो आपको सेटअप करना, अगर आपने कोई वाईफाई कनेक्ट किया है तो वाईफाई को आपको सबसे पहले डिसकनेक्ट कर देना फ्रेंड्स, यानी कि फॉरगेट कर देना है। सिंपली स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी वीडियो की ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे फ्रेंड्स तो आपका FRP कम से कम 3 मिनट में बाईपास हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट सेटअप करना है, ऐसे स्किप कर देना फ्रेंड्स। स्किप करने के बाद धीरे धीरे आपको आगे जा बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। आपको पासवर्ड पे एंड यहाँ पे कोई भी आपको रैंडम पासवर्ड डाल देना फ्रेंड्स। रैंडम पासवर्ड या आपको जैसे फ़ोन में कोई पैटर्न मांग रहा है या तो पासवर्ड मांग रहा है आप यहाँ से डाल सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ से आपको एक और पासवर्ड सबसे पहले सेट कर लेना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो अभी आपका पासवर्ड इसके अंदर सेट हो चुका है। आपको वेरीफाई पासवर्ड मांगता है, वेरीफाई करने के बाद आपका पासवर्ड इसके अंदर सेट हो चुका है। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बहुत ईजी फ्रेंड्स। ट्रिक्स लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और मैं क्या कर रहा हूँ सब आपको फॉलो करो फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ पे सेटअप मांगेगा, आपको सबसे पहले तो सेटअप में जाने का है। सेटअप में जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक वाईफाई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी वाईफाई आपका कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, तो मैं मेरा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद वाईफाई मेरा कनेक्ट हो चुका है। अभी वाईफाई कनेक्ट होने के बाद मैं अभी नेक्स्ट सेटअप करता हूँ। नेक्स्ट के बाद धीरे धीरे फ्रेंड्स आपको सेटअप करना है। और वीडियो में अगर जो फ्रेंड्स नए, तो अभी आपने जो पासवर्ड डाला था फ्रेंड्स वो पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे मैंने रैंडम पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना फ्रेंड्स, और आपका फ़ोन सिंपली सेटअप हो जाएगा। जैसे देखो आपका स्किप का ऑप्शन आ गया, मतलब आपका गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है फ्रेंड्स। अभी आप नेक्स्ट करके फ़ोन को फुल्ली सेटअप कर सकते हो। और मेरे चैनल पे जो भी फ्रेंड्स नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, जैसे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप जैसे कि देख सकते हो इसका FRP बाईपास हो चुका है। ये ट्रिक्स जो है सारे वीवो के फ़ोन्स में आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ये वीवो का Y20 फ़ोन है, बट आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो और दूसरे फ़ोन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा FRP फुल्ली यहाँ पे बाईपास हो चुका है। आपको सेटिंग में जाकर जो आपने पासवर्ड डाला था ऐसे रिमूव कर देना फ्रेंड्स। बहुत ही इजी ट्रिक से आसान तरीका है। आपको समझ में आ गया हो तो आप अभी सभी वीवो के फ़ोन्स को बाईपास कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें।